आपने ये साइंटिस्ट से जो बने हैं, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो आपका सफर कैसे क्या रहा पूरा बताइए। कठिनाई थी अंग्रेजी, हाँ, चूंकि जो विद्यालय पहले के थे उन्हें 6 से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, 6 से ABCD, हाँ, यहाँ से ABCD पढ़ाया पड़ता था, तो इसलिए अंग्रेजी थोड़ा वीक थी, तो इसमें थोड़ा झंझट कठिन प्रश्न करना पड़ा आपको। हाँ, तो इसलिए हम अपना प्रोफेशन उसी हिसाब से सेलेक्ट किए जी। साइंटिस्ट लोग को बोलना कम पड़ता है जी, अपना अपने में रहते हैं जी, ज्यादा कोई बिजनेस डीलिंग या बिजनेस के लिए किसी को कन्विंस करना जी ये सब नहीं होता है जी, इसलिए हम जो हमें लगा जो हम कर सकते हैं वो हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश, मैं हूं शिव कुमार चौधरी। ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बसते हम किस नजर से देख रहे हैं ये दिखने की जरूरत है। आज हम डोगोलिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरसिया में मौजूद है, जहां पर सिरसिया में आपको ऐसी प्रतिभाओं से मिलाएंगे जिसको आपने कभी सोचा नहीं था। हाँ, आज हम मिलवाएंगे कि यहाँ से इस विद्यालय से पढ़ने वाले एक वैज्ञानिक है जो इस पे काम कर रहे हैं और यही सिरसिया के रहने वाले हैं। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय पर अपनी जो है ली है शिक्षा, इसके बाद इस जूनियर विद्यालय पर उन्होंने पढ़ा है जहाँ से हम इंटरव्यू आज कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है भैया जी, क्या नाम आपका है? धन्यवाद, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह। अच्छा, राघवेंद्र सिंह, आप वैज्ञानिक हैं? हाँ। आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की है? प्राथमिक शिक्षा हम सामने वाले स्कूल से किए हैं और 8th तक यहाँ से पढ़े। अच्छा अच्छा, तो आपने ये साइंटिस्ट से जो बने हैं, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो आपका सफर कैसे क्या रहा पूरा बताइए। भगवान की दया से मेरे घर में कुछ लोग थे जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े थे जी, और समय समय पे हमको जानकारी मिलती गई जी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के होने की वजह से हमको बातचीत करने में अंग्रेजी में कठिनाई थी। अच्छा, अंग्रेजी, हाँ, चूंकि जो विद्यालय पहले के थे उन्हें 6 से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, ABCD, हाँ, यहाँ से ABCD पढ़ाया पड़ता था, तो इसलिए अंग्रेजी थोड़ा वीक थी, तो इसमें थोड़ा झंझट कठिन प्रश्न करना पड़ा आपको। हाँ, तो इसलिए हम अपना प्रोफेशन उसी हिसाब से सेलेक्ट किए जी। साइंटिस्ट लोग को बोलना कम पड़ता है जी, अपना अपने में रहते हैं जी, ज्यादा कोई बिजनेस डीलिंग या बिजनेस के लिए किसी को कन्विंस करना जी ये सब नहीं होता है जी, इसलिए हम जो हमें लगा जो हम कर सकते हैं वो हम तो चूज किए। हाई स्कूल कहाँ से आपने पढ़ा? हाई स्कूल हम भटपुरवा से। कितना अंक आया था? 72% टोटल आया था। तब तो माने रखता था 72% जब आप उसमें पढ़ रहे होंगे। हाँ, एक प्रतिभा हमसे भी आगे रहती थी जी, हम तीन मूर्ति थे यहाँ के, तीनों लोग IIT निकाले हैं जी जी, उसमें से एक लोग का कोरोना काल में देहांत हो गया जी, अभी एक लोग है जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अफसर है IES के थ्रू जी, जी और एक हम है जी, तो वो प्रतिभा जिनका डेथ हो गया रणविजय सिंह जी, वो पहले रहते थे जी, उनका 78% रहा होगा तब तब। तो आपने इंटर कहाँ से किया? हम लोग क्योंकि इस क्षेत्र में इंटर का कोई स्कूल नहीं था उस समय, जहाँ पे हरैया में था जी, कलवारी में था, लेकिन वहाँ पे भी कोई टीचर उतना वो उतना एक्सपीरियंस्ड या उतना साइंस पढ़ाने वाले लोग नहीं थे, तो हम लोग SSB इंटर कॉलेज फैजाबाद से पढ़े थे। तो कितना परसेंट नंबर आया था वहाँ पे? हमारा 74% आया। तो देखिए, आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा आपके अगल बगल की है, भटपुरवा इंटर कॉलेज पे की है, इसके बाद ये चले गए फैजाबाद में, फैजाबाद में पढ़ाई इन्होंने किया, इसके बाद क्या हुआ? और इवन फैजाबाद में जो हम लोग पढ़ाई किए जो यहाँ के लड़के थे, इसी स्कूल का वो भी लड़का था जी, जो दूसरा IIT है नारायणपुर का जी, तो सब लोग साथ में ही रह के अपना खाना पीना बनाते थे, पढ़ते थे, फिर बात आई कि तैयारी किया जाए जी। हमारे घर में भाई बहन की शादी थी, उतना सक्षम नहीं थे लोग, हमको तब एक फिटजी कोचिंग दिल्ली हुआ करती थी जी, तो वहाँ पे वो चले गए, हमारे हम लोग का उतना सक्षम नहीं थे, बनारस चले गए जी, बनारस में एक साल कोचिंग किए, फिर सिलेक्शन हो गया। और एक चीज मैं बता दूं जो सुन रहा है कि IIT में सिलेक्शन होने के बाद पैसे का कोई मतलब नहीं रहता जी, पॉकेट मनी मिलती है, किस जात के हो, किस कोई कैटेगरी या कोई होने की जरूरत नहीं, आपको अगर आपका गार्जियन का एनुअल इनकम कम है तो आप मुफ्त में पढ़ोगे। अच्छा, तो इस समय आप जो है वैज्ञानिक है, किस पे काम कर रहे हैं? हम जैसे पहले बोले, हम अभी भी उतना अच्छे से बोल नहीं पाते जी, 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 जी। ऐसा लगता है, लेकिन अब लगता है कि
कंफर्टेबल है जी जी। हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, जैसे एक अमेरिका की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो जितने भी साइंटिफिक चीजें होती हैं जैसे एरोप्लेन या कोई मशीनरीज इक्विपमेंट, उसको कंप्यूटर में उसका सिमुलेशन करने का एक मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ जी जी। तो ये बताइए कि इस क्षेत्र में जो हमारे युवा हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेके परेशान हो जाते हैं। हम तो देखिए हम इतना ही उम्मीद करते हैं किसी भी गार्जियन से कि पहले तनाव नहीं होना चाहिए परिवार में किसी तरीके का, शांति होनी चाहिए। अगर कोई किसी कोई से हम कुछ उम्मीद करते हैं, जब तक हम उसको शांति नहीं दे पाएंगे तब तक वो एक अच्छा साइंटिस्ट इंजीनियर तो छोड़े इंसान भी बनना कठिन होगा। तो हमारी यही उम्मीद है कि गार्जियंस को बच्चों को एक अच्छा शांत इन्वायरमेंट देने की कोशिश करना चाहिए। तो आज के समय में देखा जा रहा है कि प्रसिद्ध विद्यालयों की ओर से अभिभावकों का मनमोह हो जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? हम अब उतना ज्यादा तो जुड़े नहीं हैं, हम अभी स्कूल में आए और देखे, उसका एक वजह ये भी है जैसे आप देखे कि जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। अगर जैसे प्राइमरी में मिडिल में 3 क्लास होता है तो कम से कम 4 टीचर जरूर होने चाहिए जी। 3 जो क्लास को इंगेज करें और 1 जो अगली क्लास में क्या करना है उसकी तैयारी करें, उसके लिए अपना थोड़ा सा नोट बनाएं, जो भी जो लेसन प्लान बनाएं। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए, विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों को देना चाहिए, पर्याप्त व्यवस्था में यहाँ की सुविधाओं को देना चाहिए। तो सुविधाओं को प्रशासन द्वारा बढ़ाया जाए जिससे बच्चों में पढ़ाई का रुचि भी जागी, अध्यापक भी ठीक ठाक विद्यालय पर रहते हैं, समय से पढ़ाते भी हैं, उसी की देन है कि जो आज प्रसिद्ध विद्यालय में बच्चों की इच्छा संख्या मेंटेन हो पा रही है। तो हम अपने क्षेत्र में हर छोटी बड़ी खबर को लेके आपके बीच में लगातार हाजिर हो रहे हैं। आज हम ऐसे क्षेत्र में आए थे जो सिरसिया गांव है, यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रतिभाएं देखने को मिली जो हमने आपको इंटरव्यू के माध्यम से दिखाया है। और इन्होंने क्षेत्र से अपील की है कि जो भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, कोई फीस भी ज्यादा नहीं लगती है और बच्चों में सिर्फ परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए, अभिभावक भी काम कर सकता है और अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकता है। तो निश्चित तौर पर भैया ने जो बताया है इससे आप काम करेंगे तो आपके बच्चे निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली खबर में।